हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड का। ये कंप्यूटर जो साइंस का पेपर होता है आपका, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो कंप्यूटर के जितने भी बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑल इन वन की जो गाइड है, ठाकुर पब्लिकेशन की जो गाइड है, उसके सभी बहुविकल्प क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, सभी के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो आपके पूरी गाइड के एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का प्रयोग का आविष्कार हुआ है, तो ये हुआ है चीन में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दो देखिए है। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार। तो संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे देखो, अगला, बेबीलोनियों द्वारा पहले एबेकस का आविष्कार हुआ। तो बेबीलोनियों द्वारा पहले अबेकस का जो आविष्कार हुआ है, ये हुआ है 3000 ईसा पूर्व। कब हुआ है, 3000 ईसा पूर्व। अगला है, 1946 से लेके 1956 के मध्य विकसित हुए कंप्यूटर थे। तो 1946 से लेके 1956 के मध्य जो विकसित हुए कंप्यूटर जो थे वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार एवं गति के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है, निम्न में मिनी कंप्यूटर नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं है IBM 370, ये नहीं है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं K3, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। साइबर 205, ये भी कंप्यूटर का उदाहरण है। और परम, ये भी सुपर कंप्यूटर का ही उदाहरण है। इसलिए यह सभी चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को कुल कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो कंप्यूटर को कुल 5 पीढ़ी में विभाजित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ आपसे कह रहा है, IBM 360 तथा IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IBM 360 और IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो ये हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी के हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर। देखो, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो है ENIAC। क्या है, ENIAC, ये प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक ऊर्जा क्या प्रयोग हुआ था। तो ये हुआ था वैक्यूम ट्यूब। क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन हमारा ये था कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक ऊर्जा क्या प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है। तो अनुप्रयोग के आधार पर आपसे कह रहा है, जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। अगर हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप की बात करें, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला है, पीसी का पूरा नाम।
तो पीसी का जो पूरा नाम है वो है पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, गति है, स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है, शुद्धता भी विशेषता है, और स्मरण यानी मेमोरी भी विशेषता है। इसलिए उपरोक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो आधारित है किस पर? उसके विकास पर। किसके विकास पर? कंप्यूटर के विकास पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र जो है वो अबेकस है। कौन सा है? अबेकस। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, स्टार लगाओ तो सीपीयू। क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ गया, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का क्या मुख्य काम है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो होता है वो सूचना, आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें? सूचना में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगाओ। कह रहा है प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, तो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना करना। तो ये उपरोक्त दोनों ही सही हैं, ठीक है। डाटा को व्यवस्थित करना है और डाटा की गणना करना भी क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाती है। अब देखो, अगला जो चैप्टर था उसके आपके आ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से इनपुट डिवाइस है, तो आपको इनपुट बताना है, ठीक है। देखो, पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा है ट्रैक बॉल और चौथा है यह सभी। तो इसमें देखो इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो माउस भी है, इनपुट का मतलब माउस भी है, कीबोर्ड भी है, ट्रैक बॉल भी है, तो यह सभी हमारा वाला चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का संक्षिप्त रूप है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका MIRC यानी ऑप्टिकल मार्क, एम से मार्क है, आई से क्या है देखो रिकग्निशन है, ठीक है, CR, ये इसकी फुल फॉर्म यही बन रही है आपकी ऑप्टिकल वाली। एक मिनट, ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, सॉरी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, आपका कह रहा है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, तो ये वाला है आपका OMR, ठीक है, ओ से ऑप्टिकल, एम से मार्क और आर से रिकग्निशन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार आपसे पूछ रहा है। जैसे सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये सभी हैं, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस है, ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस है, तो DVD है, CD-ROM भी है और CD-RW भी है, इसलिए यह सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पांचवा कह रहा है आपसे कि फ्लैश मेमोरी है, तो फ्लैश जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। एक निब्बल बराबर होते हैं, तो एक निब्बल बराबर होते हैं 4 बिट, कितना होते हैं? 4 बिट। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, ऑप्टो मैकेनिकल किसका प्रकार है, तो जो ऑप्टो मैकेनिकल है वो माउस का प्रकार है, किसका प्रकार है? माउस का है। अगला क्वेश्चन है स्कैनर के मुख्य प्रकार बताओ, तो स्कैनर के जो मुख्य प्रकार हैं इमेज पहला भी सही है और विशेष उद्देश्य स्कैनर, इसलिए ए और बी हमारे दोनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापते हैं, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है उसको मापते हैं BPS में भी, मापते हैं BPS में भी और KBPS में भी और MBPS में भी, इसलिए उपरोक्त सभी वाला हमारा सही हो जाएगा। 1 GB में कितने मेगावाट होते हैं? अब देखो यहाँ पे कह रहा है 1 GW में कितने मेगावाट होते हैं, तो होते हैं 1024 मेगावाट। कितने?
1024 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्कैनर है तो स्कैनर क्या है, आउटपुट है या इनपुट है? तो जो स्कैनर है वो आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर के भाग हैं, तो माइक्रो जो प्रोसेसर है उसके कौन कौन से भाग हैं? कंट्रोल यूनिट भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है और मेमोरी यूनिट भी है, इसलिए उपरोक्त सभी यानी चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट में होती है तो 1 किलोवाट में 1024 बिट्स होते हैं। छिपी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो छिपी मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं, छिपी मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी है तो मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, ये कैसी है? ये उपरोक्त सभी ये सेकेंडरी मेमोरी हैं। फ्लॉपी डिस्क में होते हैं तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होते हैं? देखो 77 टैक्स एवं 26 सेक्टर, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, तो हार्डवेयर शब्द है कंप्यूटर के किससे है? भौतिक पुर्जों से है, भौतिक पुर्जों से। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को आप समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? इसका कार्य है प्रोग्राम को प्रोसेस करना। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि प्रोग्राम जो है प्रोग्राम सिस्टम का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? तो जो प्रोग्राम सिस्टम है उसका वर्गीकरण 2 आधार पर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर आपसे 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यूजर तथा सिस्टम के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण समर्थ बनाता है, तो ये हो जाएगा इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो नहीं है ये आपको बताना है, तो ये नेटवर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैकिटोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया, तो मैकिटोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया ये किया है एप्पल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि लिनक्स का विकास किया है, तो लिनक्स का जो विकास है वो किया है आपका 1968 में, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अनावश्यक फाइलों का संग्रह होता है, तो जो अनावश्यक फाइलें हैं इसका संग्रह होता है रिसाइकिल बिन में, इस क्वेश्चन पर मैंने स्टार लगा दिया। ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज के 2 प्रकार हैं, एक इसके हैं ये स्क्रॉल बार के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मुख्य फाइल या फोल्डर के अंदर बनी सब फाइल या फोल्डर को क्या कहते हैं? तो नेस्टेड फोल्डर कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। अगला जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट अगर हम विंडो की बात करें तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12-13 को आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये विंडो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज के भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब पढ़ेंगे चलते हैं आगे ले कि बगाली जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो नहीं बताना है। देखो लैन, मैन और बैन ये सभी प्रकार है, लेकिन ये वाला नहीं है चौथा ऑप्शन, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कह रहा है पेंट प्रोग्राम स्थित है, तो पेंट प्रोग्राम है वो स्थित है किसमें? तो ऐसे सीरीज ग्रुप में, किसमें? ऐसे सीरीज ग्रुप में। लैन का पूरा नाम, लैन मैन बैन तीनों के आपको याद रखने हैं, तो लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का देख लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सी आपका है आपका बायड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन मैन बैन तीनों के आपने देख लिए, तो इसका जो पहला ऑप्शन वाला इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल सेवाएं हैं, तो ईमेल सेवाएं क्या हैं? तो जीमेल भी ईमेल सेवा है, याहू भी ईमेल सेवा है, और जीमेल याहू दोनों
इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ तो 1990 में, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः आपसे कह रहा है MS विंडो में उपलब्ध ड्राइंग प्रोग्राम है। MS विंडो में उपलब्ध ड्राइंग प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर छः। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका पेंट। अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोड में संख्या एक लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या एक लिखी जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा बाइनरी में 001। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेब ब्राउजर करता है, तो जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, तो वेब पेज को खोलता है। क्या करता है वेब ब्राउजर, वेब पेज को खोलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, जल्दी से कमेंट करिए बताइए। तो ये हो जाएगा अटैचमेंट, क्या हो जाएगा अटैचमेंट, यानी ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने वाली व्यवस्था को कहते हैं टोपोलॉजी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, तो एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ है, ये हुआ है इंटरनेट का। तो इस चैप्टर के भी हमने पढ़ लिए, अब हम चलेंगे इकाई 5 की तरफ। तो इकाई 5 का देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया, पहला क्वेश्चन आपका अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो इसके बारे में समझिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। अगर पहला क्वेश्चन आपका आ जाए तो इस पर स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है पेपर में छाप देना। यह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसमें डॉक्यूमेंट, यानी एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के भाग हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो है उसके भाग हैं, देखो टाइटल बार भी है, मेनू बार भी है और स्टैंड टूल बार भी है, इसका मतलब ये है सभी हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है, तो फॉन्ट साइज जो मिनिमम है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है, ये 8 है, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है साइबर क्राइम का उदाहरण है, तो साइबर क्राइम का उदाहरण जो है वो ईमेल बॉम्बिंग, डाटा डिंगलिंग, डिडलिंग और लॉजिक बम, ये सभी हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत प्रोग्राम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत प्रोग्राम आते हैं, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोशल नेटवर्किंग उपकरण के अंतर्गत आता है, तो सोशल नेटवर्किंग उपकरण के अंतर्गत आता है, क्या आता है जल्दी से बताइए, तो ये है लिंग, सी ऑप्शन निंग, क्या है निंग। समकालीन वीडियो चैटिंग प्रोग्राम है, तो ये क्या है, यह है स्काइप, क्या है स्काइप। अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल है, तो एम एस एक्सेल क्या है, अगर हम MS Excel की बात करें तो यह स्पीड शीट प्रोग्राम, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, MS Excel क्या है, स्पीड शीट प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है इसमें विस्तारण का गुण है, बिल्कुल सही है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए अगले चैप्टर का ये क्वेश्चन आपका आ गया, कह रहा है कंप्यूटर क्या है, तो आपको ये बताना है कंप्यूटर क्या है। यहाँ से देखिए पेपर आपके शुरू हो गए पेपर, बकाया आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए पांचों यूनिट के, अब यहाँ से पेपर शुरू हो गया, ठीक है। ये जो पेपर है ये 2016 का पेपर है, कब का है 2016 का, तो 2016 में देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर क्या है, तो ये आपको बताना है कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक ऊर्जा प्रयोग के आगे क्या हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे,
दूसरा क्वेश्चन भी सरल है, आपको पढ़ाया गया है, यह है वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है कि उन अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर हैं, तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये क्या है, ये सभी हो जाएगा, तीसरे का डी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो क्या है, चौथा ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अभी शुरू में आपको बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, टोपोलॉजी, क्या कराया गया था, टोपोलॉजी। अब देखो अगला क्वेश्चन है वो आप समझो, अगला क्वेश्चन जो है वो 2017 का पेपर है, ये जो पेपर आप देख रहे हो ये 2017 का पेपर अपने लोग सॉल्व करेंगे। 2017 में जितने भी ऑब्जेक्ट आए थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है पीसी का पूरा नाम बताओ, तो पीसी का पूरा नाम आपको बताया था, इसका क्या बताया था, पर्सनल कंप्यूटर। अगला है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप भी आपको बताया था, ये बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर, क्या बताया था आपको, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला जो है देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये पूछ रहा है, तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको कराया था, ये विंडो हो जाएगा। वेब ब्राउजर करता है, तो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, तो वेब ब्राउजर है वो वेब पेज को खोलता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो यह भी क्वेश्चन आपको कराया, ये है अटैचमेंट, क्या है, अटैचमेंट। अब देखते हैं अगला पेपर, अगला पेपर देखिए, ये भी आपसे पूछा गया है, तो इस पेपर को भी सॉल्व करते हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना है, पेपर को अच्छे से समझना है। देखो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई कंप्यूटर का मुख्य कार्य है वो आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किस में परिवर्तित करना है, ये भी हमने आपको समझाया था, सूचना में पढ़ाया, ये आया था इसी वीडियो में पढ़ाया है। प्रोसेसिंग कहलाती है, तो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन कराया। डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयोग तो सभी हो जाएगा। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, तो हार्डवेयर शब्द का जो अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है, तो ये भी क्वेश्चन आपको कराया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये जो पेपर है ये 2018 का पेपर है, ठीक है, 2018 का। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी क्या है, एक प्रिंटेड आउटपुट है, प्रिंटेड आउटपुट, ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषता, तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, इसमें विस्तारण का वर्ड है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी प्रोग्रामों में प्रयोग होता है, ये सभी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला पेपर, देखिए अगला पेपर देखिए कौन से ईयर का है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका जो है वो 2019 का पेपर है, कब का है, ये 2019 का है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिस्टर, क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बेटा सर्च इंजन, क्या हो जाएगा इसमें, सर्च इंजन हो जाएगा, सर्च इंजन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है, तो यह है प्रोसेसिंग करना, यानी डाटा को व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, तो भैया याहू की करते हैं, गूगल की करते हैं, बिंग की करते हैं, उपरोक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है, तो जो एमएस ऑफिस है आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखो ऑल
इन वन जो गाइड आपकी थी ठाकुर पब्लिकेशन की, उसके सभी हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ लिए। आप एक से दो बार वीडियो को देख लेना, जिस दिन आपका कंप्यूटर का पेपर हो उसी रात में आप इसको दो बार वीडियो को देख लेना, तो सारे के सारे बहुविकल्प क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और अगर आपको पवन सीरीज के बहुविकल्प क्वेश्चन देखने हैं या अति लघु क्वेश्चन कंप्यूटर के पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।